हेलो फ्रेंड्स, इजी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी जारी की गई हैं, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और कितनी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। तो चलिए हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसियां जारी की गई हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है डेट ऑफ कमिशमेंट, यानी आपका 6/3/2023 को फॉर्म स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 31/3/2023 है। आगे जो नेक्स्ट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी का, वह है साइंटिस्ट बी का, जो यहाँ लेवल टेन रहने वाला है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 62 है। एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो 35 ईयर एज लिमिट दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, जिसमें 6 वैकेंसी दी हुई हैं, एज लिमिट 30 ईयर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की एक वैकेंसी, 30 साल यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 16 वैकेंसी दी हैं, जिसमें 30 ईयर एज लिमिट है। टेक्निकल सुपरवाइजर की एक वैकेंसी दी है, 30 ईयर एज लिमिट है। असिस्टेंट की बात किया जाए तो 3 वैकेंसी है, 30 ईयर एज लिमिट दी गई है। अकाउंट असिस्टेंट की बात किया जाए तो 2 वैकेंसी है, यहाँ पे भी एज लिमिट आपका 30 ईयर रहने वाला है। जूनियर टेक्नीशियन की भी 3 वैकेंसी है, एज लिमिट यहाँ पे 18 से 27 साल दिया हुआ है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल 15 वैकेंसियाँ दी हैं, जिसमें से एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 27 साल रखा गया है। अपर डिवीजन क्लर्क की 16 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पे भी एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसियाँ हैं, एज लिमिट 18 से 27 साल। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 15 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ भी एज लिमिट 18 से 27 साल। लोअर डिवीजन क्लर्क की 5 वैकेंसी, एज लिमिट 18 से 27 साल। फील्ड अटेंडेंट की 8 वैकेंसी है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 7 वैकेंसियाँ दी हैं, इन दोनों में एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 27 साल रखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का। आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देख लेते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट बी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसेंशियल की बात किया जाए तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिसमें सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर डिग्री रखने वाले स्टूडेंट्स को प्रीफर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रहेगी। 5 ईयर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है और आप प्रैक्टिस किए हैं 5 ईयर का तो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। डिजायरेबल की बात किया जाए तो एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए होना यहाँ मस्ट है। अगर आपके पास सीए की सर्टिफिकेट है तो आपको ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाएगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात किया जाए तो मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और प्रीफरेबल इन पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिलेटेड सब्जेक्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट, यानी यदि आपको पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लिए हैं तो आपको प्रीफर्ड किया जाएगा। टेक्निकल सुपरवाइजर की बात किया जाए तो डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट की बात किया जाए तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है। शैल पास द स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश टाइपिंग, आपको 35 वर्ड्स आना चाहिए। अकाउंट्स असिस्टेंट की बात किया जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है और यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर टेक्नीशियन की बात किया जाए तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात किया जाए तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए और 1 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है। अपर डिवीजन क्लर्क की बात किया जाए
तो डिग्री होना चाहिए, साथ में आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात किया जाए तो आपका 12th पास होना चाहिए। स्पीड टेस्ट नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर टू बी सर्टेन थ्रू द स्पीच टेस्ट होना चाहिए। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात किया जाए तो एसेंशियल यहाँ 12th मांगा गया है। डिजायरेबल अगर डिग्री है साइंस के साथ तो आपको प्रीफर्ड किया जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क में भी आपका क्वालिफिकेशन 12th है, साथ में टाइपिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगा गया है, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में मांगा गया है। फील्ड अटेंडेंट की बात किया जाए तो 10th आना चाहिए। डिजायरेबल में यदि 12th और साइंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। मल्टीटास्किंग में आपका 12th होना चाहिए। यहाँ पे केवल भारतीय कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। 2 घंटे का यदि आपका एग्जाम पेपर होगा तो आपको ₹750 प्लस 250 टेस्ट सेशन का ₹1000 लिया जाएगा। यदि 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला है तो आपको ₹350 प्लस ₹150 टेस्ट सेशन यानी कि ₹500 फीस रखा जाएगा। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है। इनके लिए ₹250 2 आवर्स के लिए और ₹150 1 आवर के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। एग्जाम में आपको मिनिमम स्कोर भी क्वालिफाई करना होगा, जैसे UR के लिए 35% मिनिमम स्कोर रखा गया है, OBC EWS के लिए 30%, वहीं SC ST PWD BD कैंडिडेट के लिए 25% मिनिमम की कट ऑफ रखा गया है। जो भी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो 31 मार्च से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद।